हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बचे हुए कपड़े से हाथों से चलाने वाला पंखा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने कपड़ा लिया है और इसके बीच में हमने फोम रखा है और फोम के नीचे भी हमने कपड़ा रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और दोस्तों, जो लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बीच में और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने थोड़ी दूरी पर सिलाई लगाई है। तो अब हम क्या करेंगे, बीच में इस तरह से लारियां बना लेंगे। पूरे में हमें देखिए इस तरह से लारियां बना लेनी है। तो इस तरह से हमने लारियां बना ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे सफाई के साथ। तो यहाँ पर देखिए, हमने कटिंग कर ली है और इसकी चौड़ाई देखिए 10 इंच है और लंबाई में हमारा देखिए यहाँ पर 9 इंच है। तो यहाँ पर देखिए, हमने दूसरे कलर की पट्टी ली है, 4 पट्टी हमें लेनी है और इसकी चौड़ाई देखिए 3 इंच है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और जो हमारा शर्ट में दोनों तरफ बचा हुआ कपड़ा है, उसकी कटिंग कर देंगे दोनों साइड से। तो हमने देखिए एक पट्टी को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। और सेम ऐसे ही हमें दूसरी पट्टी को भी सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने दूसरी पट्टी को भी सिल लिया है। तो अब हम तीसरी पट्टी सिलेंगे। तीसरी पट्टी देखिए हमें किस तरह से सिलनी है। दोनों तरफ से हमें कपड़े को आधा इंच बाहर की तरफ निकालना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सीधी कटिंग करेंगे। फिर जो हमने आधा इंच का कपड़ा बाहर निकाला था, उसको हमें फोल्ड करना है। फिर हम एक बार और फोल्ड करेंगे। और इस तरह से धाप सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी जो हमने आधा इंच का कपड़ा छोड़ा था, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने तीसरी भी पट्टी सिल ली है और सेम ऐसे ही हमें चौथी पट्टी सिल लेनी है। तो यहाँ पर हमने चौथी पट्टी भी सिल ली है। तो अब हम इसमें झालर की जगह पर फ्लावर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने कपड़ा लिया है और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। फिर हम एक डिब्बे का ढक्कन लेंगे गोल और इस तरह से रख के निशान लगा लेंगे। तो निशान लगा लिए हैं। तो अब हम ढक्कन को हटा देंगे और जहाँ पर हमने निशान लगाया था, वहीं पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। देखिए, इस तरह से हमने दो कलर की हमने कटिंग किया है गुलाई में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे
और फोल्ड करने के बाद हम इसको यहाँ पर लगाएंगी, एक या डेढ़ इंच नीचे की तरफ हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सुई ली है और सुई में हमने डबल धागा डाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिल लेते हैं। फिर हम इसमें नॉट लगा देंगे और बचे हुए धागे की हमें कटिंग कर लेनी है। तो हमने देखिए एक फ्लावर लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरे कलर का फ्लावर है गोलाई में, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हम एक इंच नीचे बढ़ाकर इस तरह से सिल लेंगे। और यहाँ पर नॉट लगाकर बचे हुए धागे की कटिंग करेंगी। तो देखिए इस तरह से हमने दो फ्लावर लगा लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहले वाला कलर का कपड़ा लिया था इसको इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे। और दोस्तों सेम ऐसे ही हमें पूरे में फ्लावर सिल लेने हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरे में फ्लावर सिल लिए हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और हमारा पंखा सिलकर तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डंडी लगाएंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने डंडी ली है और ये डंडी हमारी बांस की है, इसको हमने मार्केट से ख़रीदा था 5 रुपए में आराम से मिल जाएगा। तो हमने इसको बीच में काट लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लगा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ हमें टाँके लगा लेने हैं। तो हमने सुई ली है और सुई में हमने डबल धागा डाल लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टांके लगा लेते हैं, कम से कम हमें 5-6 बार हमें टांके लगाने हैं, इससे यहाँ पर हमारा जो डंडी होगा वो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक टांका लगा लिया है और सेम ऐसे ही हमें 3 टांके और लगा लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 टांके और लगा लिए हैं और हमारा पंखा सिलकर तैयार हो गया। देखिए इस तरह से, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसको हमने बचे हुए कपड़े से ही बनाया है। देखिए इसमें बहुत ही अच्छी हवा भी आ रही है जब हम इसको ढुलाते हैं तब। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर पर हाथों से चलाने वाला पंखा बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।